जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2021। असम राइफल्स 2021 के कब से होंगे ऑनलाइन फॉर्म? ये वैकेंसी कब तक आने की संभावना है? फीस क्या रहने वाली है? ए टू जेड जानकारी। 2021 के फॉर्म कब आएंगे और कब से भरे जाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगली जो वैकेंसी आपकी असम राइफल्स की, ये 2021 से पहले नहीं आएगी। मैं आपको महीना ही बता देता हूँ किस महीने में ये वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। देखिए, मार्च 2021 से पहले ये वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं आपसे इतनी ही बात कहूंगा कि आप तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक है, मार्च 2021 में ये वैकेंसी आ जाएगी और इसके ठीक 3 महीने बाद, कहने का मतलब जून या फिर जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा। देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी आपकी आई थी, ये 2018 में वैकेंसी आई थी, काफ़ी समय बीत चुका है। और 2020 है आपका, ये कोरोना वायरस में पूरा पूरा साल चला गया, ये भी आपको पता होगा। देखिए, इसके जो फॉर्म ऑनलाइन होने थे, 14/12/2018 से ये फॉर्म ऑनलाइन हुए थे। इसकी लास्ट डेट थी 14/1/2019। लगभग लगभग एक साल हो गया है, एक साल से ज़्यादा ही होने वाला है लगभग लगभग। अगर होने वाला नहीं है तो हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो इसकी फ़ीस की बात करते हैं, तो देखिए, इसकी फ़ीस जो है जनरल ओबीसी की 200 रुपये, ग्रुप बी की, जनरल ओबीसी 100 रुपये, ग्रुप सी की फ़ीस रहेगी। एससी एसटी पीएस और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की माध्यम से सबमिट कर सकते हैं फीस। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है आपकी स्टाफ नर्स के लिए 18 से 25 साल, और फार्मासिस्ट के लिए 20 से 25 साल, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 21 से 28 साल, सुपरवाइजर के लिए 20 से 28 साल, अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 साल। तो ये तो हो गई आपकी एज। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जिसमें देखिए 10th हाई स्कूल पास होना जरूरी है। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप, मतलब कहने का मतलब है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका सुपरवाइजर हुआ, इसमें इंटर मांगा जाएगा, तो कि इंटरमीडिएट पास यदि आप हैं, डिप्लोमा यदि आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि आप 10th या 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पिछली जो वैकेंसी थी, 749 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली थी। तो योग्यता क्या रहेगी और फीस क्या रहेगी, सारी जानकारी मैं आपको दे दी है। और जो अगली इसकी जो वैकेंसी है, ये कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये अगली जो वैकेंसी आपकी है, मार्च 2021 से पहले ये वैकेंसी नहीं आएगी। देखिए, अभी हाल ही में आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 में जो आपके फॉर्म आए थे उसके फिजिकल चलेंगे 14 से 17 तक। हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियल साइट पर, उन्हें साफ बताया गया है कि 14 तारीख से 17 तारीख से लेकर आपके जो मतलब फिजिकल हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसके जो एग्ज़ाम हैं वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगली जो वैकेंसी आपकी असम राइफल्स की, मार्च 2021 में पक्का ये आ जाएगी। तो तैयारी में लग जाइए आप लोग। तैयारी कैसे करनी है, इसका जो सिलेबस है, अगले वीडियो में मैं आपको इसका सिलेबस बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।